स्थिति बैठ जाइए तीन लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। एक लंबी गहरी सांस और धीरे धीरे मुंह से छोड़ेंगे। Thank you.
Thank you.
इनके ध्यान पूरी जागरूकता की जैसे सांस अंदर जा रही है और हम बस दौड़ रहे हैं, सोच रहे क्या हो रहा है। पूरी जागरूकता की साथी पर बनाए रखें। तीसरी दर्जे अपने साथी के साथ Thank you.
आखिरी 2 मिनट अपने सांसों आराम से अपने शरीर कमरे को महसूस करें। पत्री सर का धन्यवाद करते हुए अपने माता पिता को धन्यवाद करते हुए अपने सुंदर प्रभावित शरीर का धन्यवाद करते हुए इस रूप से जुड़े सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ हथेलियों के अंदर ही आंख खोलकर ध्यान से बाहर आ जाए।
अभी वॉइस क्लियर है? अभी मैम वॉइस क्लियर है? ओके, जी मैम सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। वंडरफुल मेडिटेशन अपने इस ध्यान के लिए। तो फ्रेंड्स, अब हम ध्यान के बाद ज्ञान के सत्र की ओर चलते हैं। तो जैसा कि आज का टॉपिक है पिरामिड ऊर्जा, पिरामिड ऊर्जा क्या है? आप सभी जानते होंगे पिरामिड के बारे में। पिरामिड के बारे में सबसे पहले हमें कहाँ से जानकारी मिली? पत्री सर से जानकारी मिली, है ना? पत्री सर ने पिरामिड के इस युग के बारे में क्या बताया कि ये जो युग है ये पूरा पिरामिड युग है। और पिरामिड क्या है? उच्च ग्रह की चेतनाओं चेतनाओं द्वारा पृथ्वी वासियों को दिया गया ये अनमोल उपहार है। पिरामिड जो हमें है कहाँ से मिला है? ये उच्च ग्रह की चेतनाओं के द्वारा हम पृथ्वी वासियों को दिया गया एक अनमोल उपहार है। ये हमें उच्च ग्रह के जो चेतना है, उच्च ग्रह के जो लोग हैं उनके द्वारा हमें ये मिला है। और पिरामिड क्या करता है? दूसरे ग्रह से सूचना ग्रहण करता है। और ये जैसे हमारे घर में टीवी होता था पहले, तो टीवी के लिए एंटीना लगाया जाता था। तो वो एंटीना क्या हम घुमाते थे उसको, तब जाके कहते थे अच्छा पिक्चर क्लियर आई, कहते थे ना। तो जैसे एंटीना काम करता था उसी तरह पिरामिड दूसरे ग्रहों से सूचना ग्रहण करने के लिए एक एंटीना की तरह काम करता है। एक एंटीना है, एक शक्तिशाली एंटीना है। पृथ्वी का अन्य ग्रहों से ऊर्जा और सूचनाओं का आदान प्रदान इस पिरामिड के माध्यम से ही होता है। पिरामिड के जो अन्य ग्रहों से सूचना आ रहा है या जो भी ये आ रहा है ऊर्जा आ रही है उसका आदान प्रदान इस पिरामिड के माध्यम से ही होता है। अब 1990 में, 1990 में पत्री सर ने एक किताब है, उनके राइटर है बिल शुल एंड एडविटेट, बिल शुल एंड एडविटेट, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड। ये पुस्तक पत्री सर ने पढ़ा और उनको पिरामिड ऊर्जा से वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसके बहुत प्रयोग किया और फिर जाकर के पिरामिड का निर्माण किया 1990 में। कौन सी पुस्तक पढ़ी? द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड, और इसके राइटर थे बिल शुल एंड एडविटेट। 1991 में ध्यान के लिए उन्होंने तेलंगाना के कर्नूल जिले में, तेलंगाना के कर्नूल जिले में पहला बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र बनाया जिसकी साइज थी 30x30। और इस पिरामिड के अंदर 250 लोग बैठ करके ध्यान कर सकते। ये 1991 में पहला बुद्धा पिरामिड बना। उसके बाद 2002 में 160x160 का मैत्रेय बुद्धा पिरामिड बेंगलुरु में बना। और ये पिरामिड जैसे हम कहते हैं ना सात आश्चर्यजनक है, तो ऐसे ही 7 आश्चर्यजनक में ये भी एक आश्चर्यजनक है। और इस पिरामिड के अंदर 5,000 ध्यानी एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। और यहाँ पे हर साल बुद्ध पूर्णिमा के दिन ध्यान होता है और कोई भी स्पिरिचुअल कार्यक्रम होता है तो यहाँ पे मनाया जाता है। अब 2012 में एशिया का सबसे बड़ा पिरामिड महेश्वरा महापिरामिड तेलंगाना के महबूब नगर जिले में करताल में बनवाया गया। और इसकी साइज क्या थी? 180x180। और इस पिरामिड के अंदर 7,000 लोग बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। और हर साल यहीं पे करताल में ही, आप लोग सभी जानते हो, ध्यान महाचक्रम होता है, शिवरात्रि ध्यान होता है, ये सब यहाँ पे होता है करताल में। अब हम जानेंगे, आप लोगों ने नाम सुना होगा कि मिस्र के पिरामिड।
मिस्र में पिरामिड है, तो मिस्र के पिरामिड के बारे में जानेंगे कि जो मिस्र का पिरामिड है वो संपूर्ण पृथ्वी की ऊर्जा को संतुलित करता है, तो मिस्र का पिरामिड है। और आज तक वैज्ञानिकों के लिए ये रहस्य का विषय है कि मिस्र वासियों ने इसका निर्माण कैसे किया। इतनी भारी पत्थरों को इतनी मतलब सहजता से कैसे आधा मतलब जोड़ने के लिए मशीनें नहीं है, कोई भी आधुनिक मशीन नहीं है जो इतनी भारी पत्थर को इस तरह से जोड़े, तो ये आज तक आश्चर्य का भी। आज गूगल में भी आप सर्च करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, गूगल पे भी ये नहीं दिया है कि मिस्र का पिरामिड कैसे बना, तो किसी को भी नहीं पता कि मिस्र का पिरामिड कैसे बना है। और इसको जोड़ने के लिए जो टेक्निक चाहिए वो टेक्निक है ही नहीं, वो टेक्निक कहीं भी नहीं है पूरे कंट्री में। तो ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण अन्य ग्रहवासियों ने पृथ्वी पर आकर अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा किया है, ये ऐसा माना जाता है। क्योंकि इस पिरामिड मतलब कुछ भी हो जाए, इस पिरामिड को कुछ भी नहीं होता, चाहे तो कोई भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, इस पिरामिड पे कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। और पिरामिड ऊर्जा का प्रयोग करके मिस्र वासियों ने मृत शरीरों को सुरक्षित रखा। हम सभी हिस्ट्री में इतिहास में इसको पढ़ा है। और ये पिरामिड अनेक प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी वैसे के वैसे ही टिकी रहती, इसमें कुछ भी नहीं होता। अब देखिए जो पिरामिड है ये पिरामिड दो शब्दों से मिलकर बना है, पायरा प्लस मिड। पायरा पायरा बोलते हैं, पायरा यानी अग्नि और मिड आनी यानी कि मध्य, मतलब ऐसी आकृति जिसके मध्य में अग्नि है। तो पिरामिड के अंदर कितनी ऊर्जा होगी ये आप समझ सकते हैं। पिरामिड एक रहस्यमय ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल ढांचा है जो धरती पर अधिकतम विष ऊर्जा ग्रहण करता है। पिरामिड एक साइंटिफिकली चिन्ह है, साइंटिफिकली साइन है, साइंटिफिकली है ये। और क्यों? क्योंकि पिरामिड का निर्माण एक एंगल बनता है, जिस जो एंगल है 51 डिग्री 52 मिनट का होता है एंगल। जब उसको पिरामिड को बनाया जाता है बेस और हाइट लेकर के, तो उसके बीच में एक एंगल बनता है, तो वो एंगल 51 डिग्री 52 मिनट का होता है। और इस कोण की वजह से, इस एंगल की वजह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ये अक्षय भंडार है, तो बहुत ऊर्जा होती है। तो पिरामिड की 1/3 ऊंचाई पर सबसे ज्यादा ऊर्जा एकत्रित होती है। और इस स्थान को शाही कक्ष यानी किंग्स चेम्बर कहा जाता है, और यहाँ पर ध्यान करने से अत्यधिक ऊर्जा होती मिलती है। जो करताल में बना हुआ है, महेश्वरा पिरामिड है, वहां पे किंग्स चेम्बर बने हुए हैं, और यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत सारे रहस्यों को खोलने वाली चाबी यहाँ पर होती है। तो पिरामिड के अंदर जो भी वस्तु रखी जाती है उसकी अणु गुणवत्ता बनी रहती है। पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से हर एक साधक को गहनतम अनुभूति होती है, बहुत ऊर्जा आती है। अब देखिए मेरे यहाँ भी ऊपर पिरामिड लगा हुआ है, ये बेड पिरामिड है, ये हमने लगा रखा है अपने बेड के ऊपर, दिखाना सबको ये पिरामिड, ये देखिए। ठंडा गर्म होता है। तो आपको ये चार बार बनाई होगी, बाहर ही निकला होगा। इन लोगों ने रखा हुए थे आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए पिरामिड ध्यान अति आवश्यक है। अब हम जानेंगे पिरामिड शक्ति के बारे में। पिरामिड के अंदर ऐसी शक्ति है जो मानव के भौतिक मतलब फिजिकल और पराभौतिक शरीरों पर काम करती है। पराभौतिक मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, परा मतलब जो आंखों से परे है, पराभौतिक तो काम करती है।
पिरामिड शरीर के तंत्रों को नवजीवन प्रदान करने का कार्य बहुत शीघ्रता से करती है। मतलब जिसको जो बीमारी है वो अगर पिरामिड के अंदर बैठ करके ध्यान करे उसकी बीमारी शीघ्रता से दूर होती है। इस ऊर्जा से न केवल मनुष्य में रोग सुधारक क्षमता बढ़ती है बल्कि पशु पक्षी पौधे अन्य सजीव निर्जीव वस्तुओं के लिए भी यह बहुत उपयोगी है। अपने आप को म्यूट रखें प्लीज। तो यह ऊर्जा की तरंगे खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन ये जड़ चेतन पे इसका प्रभाव देखा जाता है। और पिरामिड की ऊर्जा जो पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं उनको बहुत अच्छे से महसूस होती है। और इसकी मैंने जीती जागती उदाहरण हूँ, मैंने खुद अनुभव किया है पिरामिड ऊर्जा को, बहुत एनर्जी आती है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ पिरामिड के अंदर ही बैठ करके ध्यान करने का। और यह ऊर्जा पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। मतलब अगर सब्जी है तो जो बैगन है, पत्री सर ने भी ये प्रयोग किया था, बैगन हम बाहर रखें तो 15 दिन हफ्ते दिन में खराब होने लगता है, सड़न पैदा होने लगता है। लेकिन वही बैगन को अगर आप पिरामिड के अंदर रखते हो, उस पे पिरामिड रख देते हो, तो वो बैगन महीनों तक खराब नहीं होता। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, ये अनुभव किया हुआ है। पदार्थ में स्थित आवश्यक अनावश्यक जल को सोख लेती है और जीवित कोषों वाले पदार्थों को सड़ने से बचाती है। जो भी जैसे बैंगन हो गया, आलू हो गया, ये सब जो भी इसमें वाटर कंटेंट होता है वैसे सब्जियों को उनको सड़ने से बचाती है। अशुद्धियों को दूर करती है। जो भी घर में हम बोलते हैं निगेटिविटी है, वास्तु दोष है, इन सभी को दूर करती है पिरामिड। और एकाग्रता प्रदान करती है। एकाग्रता बहुत जल्दी आप विचार शून्य स्थिति में चले जाते हैं पिरामिड में ध्यान करने की। और हानिकारक वायरस को जीवाणुओं को नष्ट करती है। तो पिरामिड ऊर्जा की सहायता से हम कम खर्च में शारीरिक पीड़ाओं और रोगों और दुर्बलताओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि पिरामिड एक बार लगा लिया, लगाने में ही जो खर्च है उसके बाद आपको बार बार डॉक्टर पे या दवाइयों पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं। अब हम जानेंगे बहुत तरह के वैज्ञानिक प्रयोग कि क्या क्या साइंटिस्ट ने पिरामिड को लेकर के प्रयोग किया, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्रोफेसर डॉक्टर डॉक्टर जितेन भट्ट जी प्रथम भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर गहन अध्ययन करके पिरामिड यंत्रों का आविष्कार किया। और वास्तु को पिरामिड ऊर्जा से जोड़कर इन्होंने लाखों लोगों को स्वस्थ किया। क्योंकि पिरामिड जिसके घर में है उसके घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। पिरामिड सकारात्मक ऊर्जा देकर आती है। फिर दूसरे एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रविकांत जी। इन्होंने क्या किया, वास्तु पिरामिड को एक कुप्रेशर, और ये वास्तु पिरामिड है डॉक्टर रवि कांत जी, वास्तु पिरामिड एक्यूप्रेशर और रेकी के मास्टर हैं। मतलब ये वास्तु के जो जानकारी होती है वो देते हैं, एक्यूप्रेशर करते हैं और रेकी करते हैं। और इन्होंने पिरामिड शक्ति नाम से एक पुस्तक भी लिखी है ताकि इस चमत्कारिक ऊर्जा का लाभ जन जन ले सके, जन जन उठा सके, हर एक व्यक्ति उठा सके। अब एक है कीर्ति बेतई जी, ये मॉडर्न वास्तु एनर्जी साइंस के संस्थापक हैं। इन्होंने आगरा आगरा में इनका दयाघर सेल्फ केयर सेंटर नाम से एक चिकित्सा केंद्र है आगरा में। और इनको बहुत लंबी बीमारी हो गई थी जिसके कारण एक एक भयंकर बीमारी हो गई थी जिसके कारण ये इनको लंबी दवाई लेनी पड़ी थी। और दवाइयों के दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट के कारण इनका लीवर और किडनी काम नहीं कर रहा था। तो उस समय इन्होंने डॉक्टर बोविस और डॉक्टर बैक्सटर के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें पिरामिड और विश्व ऊर्जा के बारे में विस्तृत जानकारी थी। तो इसको पढ़ करके इन्होंने पिरामिड ऊर्जा पर स्वयं प्रैक्टिकल किया, बहुत सारे प्रयोग किए और अपने घर में पिरामिड लगवाए। उसके 2 साल बाद इनका किडनी और लीवर पूरी
तरह से ठीक हो गया। अब तक पिरामिड ऊर्जा से इन्होंने 40,000 रोगियों को बिना दवाई के ठीक कर दिया। अब एक और है श्री विनय गर्ग जी, ये नीलवो रेकी फूड कॉर्पोरेशन के बिजनेस हेड है। इनका कहना है कि पिरामिड के नीचे ध्यान करने से थोड़ी देर में ही विश्राम में मन चला जाता है, शरीर के ऊर्जा केंद्र में चक्रास जो है वो संतुलित होने लग जाते हैं। और पिरामिड थेरेपी एक उत्तम उपाय है जो स्व चिकित्सा के लिए अत्यंत प्रभावकारी यंत्र है। मतलब स्व चिकित्सा, खुद की चिकित्सा करनी है, खुद का ट्रीटमेंट करना है, तो उसके लिए पिरामिड बहुत सहयोगी है। और ये कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है। पिरामिड शरीर मन और आत्मा में, बॉडी माइंड और सोल में सामंजस्य स्थापित करके सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। और ये क्या करता है, खाद्य पदार्थों को भी सुरक्षित रखता है, उसमें भी ऊर्जा भरता है ताकि उसमें भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थों के लिए पिरामिड का उपयोग कर सकता है। अब हम जानेंगे कि पिरामिड कैसे होते, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला तो होता है पिरामिड कैप, जिसको हम कैप के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ध्यान करते समय अपना कैप लगा करके ध्यान कर सकते हैं। तो कैप के रूप में इस्तेमाल करते हैं पिरामिड कैप। आप जब भी सर दर्द हो रहा है या कोई दिक्कत सर में हो रहा है या शरीर में, तो आप पिरामिड कैप लगा के वो काम कर सकते हैं। दूसरा होता है वाटर पिरामिड, मतलब पानी के ऊपर रखने के लिए पिरामिड का इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं वाटर पिरामिड। अगर आप पानी के ऊपर रखते हैं तो वो पानी चार्ज हो जाता है, 8 से 10 घंटे में वो पानी चार्ज हो जाता है। फिर आप उस पानी को पीजिए, या फिर कहीं पे आप पौधे में डालिए, या जो भी आपको उपयोग करना है उस पिरामिड वाटर के साथ आप कर सकते। उसके बाद आता है नी कैप, मतलब जिसको घुटने में दर्द है वो इस पिरामिड का उपयोग घुटने के दर्द के लिए कर सकता है। वो नी पैड, नी कैप आता है, पिरामिड आप घुटनों पे बांध सकते हैं। उसके बाद आई पिरामिड आता है, जैसे जिसको चश्मा है लगा हुआ, नंबर ज्यादा है, वो आई पिरामिड को लगाकर मेडिटेशन कर सकते हैं। फिर आता है फ्रूट पिरामिड, मतलब फ्रूट के ऊपर, सब्जियों के ऊपर आप रख सकते हैं। फिर बेड पिरामिड, बेड के ऊपर लगा सकते हैं ताकि सोते समय भी हम जब पिरामिड के नीचे सोएं तो हमें ऊर्जा मिले। जो बेड पिरामिड अभी मैंने दिखाया, ये देखिए लगा हुआ है, ये 2x2 का पिरामिड है, ये मैंने लगवाया हुआ। तो ये हो गया पिरामिड का डिफरेंट टाइप। अब हम जानेंगे कि पिरामिड का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, पिरामिड के निर्माण के लिए आधार आपको पता होना चाहिए, तो हम साइड और हाइट निकाल सकते हैं, और शाही कक्ष जो हमने किंग्स चेम्बर बताया उसका भी कैलकुलेशन किया जा सकता है। और पिरामिड कोई भी बनवा सकता है, किसी भी मटेरियल का बनवा सकता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो, पेपर का हो, वुड का हो, लकड़ी का हो, कॉपर का हो, किसी भी मटेरियल का आप पिरामिड बना सकते हैं। ओके, मैं बताऊंगी कहाँ मिलता है। तो अब साइड निकालने के लिए, साइड के लिए क्या करते हैं, जो आधार है उसको 0.951 से मल्टीप्लाई करके हम किनारा उसका निकाल लेते हैं। और हाइट निकालने के लिए जो आधार है, जितना आधार हमने लिया 8 इंच 10 इंच, उस आधार में 0.636 से मल्टीप्लाई करके हम उसका हाइट निकाल लेते हैं। इस तरह से जब हम इस तरह से साइड और हाइट निकालते हैं और उसको जोड़ते हैं, वो जो एंगल है 51 डिग्री 52 मिनट, वो एंगल अपने आप निकल जाता है। अगर हमने साइड और हाइट सही से लिया है तो उसका एंगल अपने आप, वो एंगल निकल आता है 51 डिग्री 52 मिनट। इस तरह पिरामिड हम घर पे भी बना सकते हैं, पेपर से भी बना सकते हैं, और यूट्यूब पे दिया हुआ है कि हम पेपर से पिरामिड कैसे बना सकते हैं। और उसके ऊपर आप चाहो तो कोने में एक क्रिस्टल छोटा सा लगा दो, क्रिस्टल भी लगा सकते हो पिरामिड के अंदर।
अब हम जानेंगे पिरामिड के उपयोग की, पिरामिड का क्या उपयोग है। तो पिरामिड ध्यान हमारी पृथ्वी सर का अनुपम देन है। पिरामिड के अंदर, पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने जो करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं पिरामिड ध्यान। ये पिरामिड ध्यान कहलाता है। पिरामिड में ध्यान करने से 3 गुना ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है और मन जल्दी विचार शून्य स्थिति में चला जाता है। हमारा ध्यान गहरा होता है और विचारों से शून्य मन शांत स्थिर और सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। और पिरामिड ध्यान से क्या होता है, मेलाटोनिन और सेरेटोनिन नामक हार्मोन बनने लग जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन क्या है कि जब कोई व्यक्ति को नींद नहीं आती है, अनिद्रा हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसकी मेलाटोनिन हार्मोन कम होने लग जाती है, उसका लेवल कम होने लग जाता है, जिसके कारण उसको नींद नहीं आने की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी हो जाती है। लेकिन जब हम पिरामिड में बैठ के ध्यान करते हैं तो मेलाटोनिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो हमें नींद के लिए गोलियां नहीं खानी पड़ती है, बिना दवाई हमें नींद आने लगती है। दूसरा हार्मोन है सेरेटोनिन हार्मोन, इसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं। जो डिप्रेशन में जाते हैं उनके अंदर क्या होता है, डोपामिन का लेवल बढ़ने लग जाता है, इसीलिए वो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास रहने लग जाते हैं, डिप्रेस रहते हैं। जब वो पिरामिड के अंदर ध्यान करते हैं, ध्यान की यात्रा को बढ़ाते हैं, तो उनके अंदर सेरोटोनिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे उनकी डिप्रेशन की दवाइयां बंद होने लग जाती है और सेरोटोनिन को बोलते हैं हम हैप्पी हार्मोन। तो इस तरह जो पिरामिड है वो जो कैंसर है, बुढ़ापे है, इस बुढ़ापा है, इन सबका प्रतिरोधक है, मतलब रेसिस्टेंस करता है और हमारे राइट ब्रेन को एक्टिव करता है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपने ब्रेन का उपयोग कर सके। अब पिरामिड ध्यान के लाभ क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे कि पिरामिड के अंदर ध्यान करने से असीम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। वजन हीनता का अनुभव होता है, मतलब सूक्ष्म शरीर, हमारा शरीर बहुत हल्का हो गया है, ऐसा हमें अनुभव होता है। शरीर में ऊर्जा की तरंगों से झुनझुनाहट महसूस होती है, ये सब ध्यान के अनुभव है। विभिन्न रंग और आकार दिखाई देने लगते हैं पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करने से। थकान जल्दी दूर हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाती है, पक्का हो जाता है इच्छा शक्ति, और जटिल समस्याओं का समाधान जल्दी मिल जाता है। मन तनाव से मुक्त हो जाता है, ये सब पिरामिड के लाभ है। और समय के पार और अधिक गहरे ध्यान का, मतलब मैं यहाँ हुई नहीं, अगर ध्यान में बैठे तो 2-3 घंटे के लिए कहाँ चले गए पता ही नहीं चलता, ऐसे गहरे ध्यान की अनुभूति होती है। तो ये है पिरामिड के लाभ। पिरामिड के इस्तेमाल से रोगी जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। अब जैसे कनाडा के एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक प्रयोग किया, उन्होंने जले हुए मरीजों के वार्ड में पिरामिड ऊर्जा रखा, पिरामिड का ऊर्जा का प्रयोग किया, और जिन मरीजों को पिरामिड के नीचे रखा गया वो जल्दी स्वस्थ हो गए। वहां पे कनाडा में बहुत से लोग जल गए थे, और जो लोग जल गए थे तो कुछ लोगों को उन्होंने पिरामिड के साथ उनको ट्रीटमेंट किया, पिरामिड रखा उनके पास। तो जहां पिरामिड रखा गया वो व्यक्ति, उनका शरीर जल्दी स्वस्थ होने लग गया। तो बीमारी और ऑपरेशन के बाद शरीर को पुनः स्वस्थ करने के में समय लगता है। तो यदि अगर हम ज्यादा समय पर पिरामिड के नीचे रहते हैं, पिरामिड ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं और इसके बहुत चमत्कारिक परिणाम आते हैं। पिरामिड कौन कौन उपयोग कर सकता है, तो पिरामिड का उपयोग विद्यार्थी अपनी स्मरण शक्ति को, एकाग्रता को, आत्मविश्वास को, ग्रहण शक्ति को, इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। वो पिरामिड कैप लगाकर बच्चे भी अपना पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और पिरामिड लगाकर पढ़ने से या पिरामिड के नीचे पढ़ने से अच्छा नंबर आता है, उनकी याद स्मरण शक्ति बढ़ जाती है,
और स्मरण शक्ति ज्यादा समय तक बनी रहती है। अगर पिरामिड जल के ऊपर प्रयोग रखते हैं तो 8 से 10 घंटे में पानी के ऊपर रखा हुआ पानी चार्ज हो जाता है, और इस पानी को पीने से हमारी पाचन शक्ति ठीक होती है, त्वचा संबंधी बीमारियां ठीक होती है, और ये पानी एक टॉनिक की तरह काम करता है। और एंटीसेप्टिक की तरह अगर कहीं कट जाता है, फल सब्जी काटते हुए कट जाता है, तो पिरामिड वाटर उस पे आप लगा लो तो रक्त का बहाव जल्दी रुक जाता है। दर्द और संक्रमण वाले स्थानों में उस जल से मालिश करने से राहत मिलती है, और पिरामिड जल से स्नान करने से त्वचा में चमक आती है। ये सब लाभ है पिरामिड का। और पौधों और पिरामिड पौधों पे भी हम पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। पौधों के ऊपर भी हम पिरामिड रख सकते हैं ताकि उसके ग्रोथ में सहायता मिलती है। पौधे पौधे तीव्रता से बढ़ते हैं और उसमें जो कीटाणु उसकी क्षति पहुंचाते हैं, और वो क्षति भी कम होने लग जाती है और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। तो पिरामिड ऊर्जा का जो पानी है, वो पानी भी हम पौधे में डाल सकते हैं। फल फूल सब्जियों पे भी हम पिरामिड रख सकते हैं। विद्युत उपकरण जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, ये इस पे भी हम पिरामिड रख सकते हैं ताकि इसकी बैटरी की क्षमता बढ़ जाती है। दवाइयों के ऊपर दवाइयां जो है उसको भी हम पिरामिड के नीचे रख दें। जो भी चीजें आप यूज करते हो उसको भी पिरामिड के नीचे आप रख सकते हो। अपने शयन कक्ष पे पलंग के ऊपर भी आप पिरामिड लगा सकते हो और उसके नीचे सब परिवार सो सकते हो। गौशाला के ऊपर भी आप पिरामिड लगा सकते हैं बनवा करके। श्रीयंत्र अलग चीज है। पिरामिड श्रीयंत्र के बारे में मुझे उतनी जानकारी नहीं है, पिरामिड के बारे में है तो मैं पिरामिड के बारे में बता रही हूँ। श्रीयंत्र के एंगल कितना होता है और इसका एंगल उसके बारे में मुझे नहीं पता। तो पिरामिड आप बगीचे में भी लगा सकते हैं, इस तरह से रसोई घर में यूज कर सकते हैं, पशु पक्षी के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से आपको पिरामिड आपके जीवन को बहुत तरह से सुरक्षा प्रदान करता है। आप बहुत सारे जेल में भी पिरामिड का निर्माण हुआ है, वास्तु के लिए पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम पिरामिड का बहुत उपयोग कर सकते हैं और पिरामिड हमारे लिए हीलिंग का काम कर सकता है। तो ये हमने जाना पिरामिड के बारे में और उसके ऊर्जा के बारे में और उससे होने वाले लाभ के बारे में। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि पिरामिड से बहुत लाभ मिलता है। तभी मैंने अपने बेड के ऊपर पिरामिड लगवा रखा है, और पिरामिड मैं पानी के ऊपर भी रखती हूँ, कैप लगाकर ध्यान भी करती हूँ। पिरामिड ऊर्जा का अनुभव मैंने बहुत अच्छे से किया है, तो ये मैं अपने अनुभव के साथ ये साझा करती हूँ कि वास्तव में पिरामिड का उपयोग बहुत बहुत आवश्यक है। मुझे भी बुखार सर्दी खांसी कुछ भी होता है, मैं पिरामिड के नीचे बैठ करके ध्यान करती हूँ और मुझे कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं पिरामिड ऊर्जा से ही ठीक हो जाती हूँ, पिरामिड और ध्यान की ऊर्जा से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य पूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी के अंदर बैठे उस परमात्मा को कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर ज्ञान और बहुत सुंदर ध्यान। मास्टर, किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मैम से पूछ सकते हैं, एड्रेस कीजिए। अपने आप को अनम्यूट करें और हैंड रेज करें मास्टर जी। बिहार में अगर पिरामिड मंगवाना है तो एक दिनेश जी हैं, वो पिरामिड रखते हैं, और एक अर्पणा मैंग जी हैं, वो भी पिरामिड रखती हैं। तो इन दोनों से आप कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। दोनों का नंबर मैं दे दूंगी।
जी जरूर डाल दूंगी मैं नंबर, आप लोग ग्रुप में है ना? हाँ मैम सभी ग्रुप में है। ओके, तो मैं ग्रुप में नंबर डाल दूंगी, और नहीं तो मैं यहाँ पे भी चैट में लिख देती हूँ। यस मास्टर, किसी का कोई सवाल नहीं रहेगा। एक मिनट, मैं नंबर लिख के दे रही हूँ, जी मैम। चैट में लिख रही हूँ। बार मैम पिरामिड दिखाने के लिए बोल रहे हैं, दिखा दीजिए अपना पिरामिड। हाँ दिखा देती हूँ। मैंने दोनों का नंबर डाल दिया है। अब कोई मुंबई में पूछ रहे हैं, ये मुंबई में प्रशांत ओझा जी हैं और सचिन जी हैं, ये रखते हैं पिरामिड, इनका भी नंबर चाहिए तो मैं दे आप ग्रुप में दूंगी डाल तुमको। दीजिए हाँ मैम। जी ग्रुप में डाल दूंगी। और ये देखिए पिरामिड, ये दिख रहा है? दिखा सबको? ठीक जी मास्टर दिख रहा है। यस मास्टर सभी देख पा रहे हैं। है, वेट फिर अब। यस मास्टर मैं ग्रुप में डाल दूंगी नंबर। मुंबई नंबर भी डाल दूंगी, सचिन गुप्ता जी हैं और प्रशांत ओझा जी, ये वो मुंबई में रखते हैं, और मुंबई से मंगा, उनसे ले सकते हो आप मुंबई। ग्रुप में डाल दूंगी मैं नंबर मुंबई वाले का। और किन्हीं का कोई सवाल? Yes. अब कोई किन्हीं का सवाल नहीं है तो फिर हम सेशन क्लोज करें। यस, हो जाएगा हो जाएगा। ब्लैक मैजिक कुछ होता नहीं है, वो आपके मन का खेल है, वो कुछ नहीं होता, वो आप ही का निगेटिविटी है, वो इसीलिए वो आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। कुछ भी नहीं होता ब्लैक मैजिक, नथिंग।
वो आप ही का निगेटिविटी है। आप इन सब बातों से बाहर निकल जाएं, आप ध्यान के रास्ते पे आ रहे हो, आत्मज्ञान के रास्ते पे आ रहे हो। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ। तो जब आप इतने शक्तिशाली हो, आप ही ब्रह्म हो, तो फिर ये ब्लैक मैजिक कहाँ से आ गया? ये ब्लैक मैजिक बिल्कुल आपके मन का नकारात्मक ऊर्जा है, निकाल के बाहर फेंक दीजिए, कुछ नहीं होता। जहां तक डिस्क की प्रॉब्लम है, आप ध्यान करेंगे पिरामिड के अंदर बैठ करके तो बिल्कुल आपका ठीक होगा। और आप लेट करके पिरामिड उसके ऊपर रख लें और लेटे पेट के बल, उससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। यस, बांसुरी के इससे म्यूजिक से पत्री सर ने ध्यान को जोड़ा, तो बांसुरी के साइंस से साउंड से ध्यान में प्रवेश आसान होता है क्या? यस, आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। इसीलिए म्यूजिक को पत्री सर ने ध्यान से जोड़ा, क्योंकि म्यूजिक का एक-एक साउंड का हमारे चक्रा पे इफेक्ट आता है। तो जो साउंड हम बांसुरी का सुनते हैं, आपने चक्रा से रिलेटेड आप देखोगे यूट्यूब पे डाल करके, बहुत सारे साउंड है जिससे कि हमारी चक्रा हीलिंग होती है। तो आप अगर इसीलिए पत्री सर बांसुरी बजाते थे ध्यान कराते समय। तो आप फ्लूट से अगर मेडिटेशन करते हो या कोई भी म्यूजिक जो पॉजिटिविटी देता है, जो स्मूथ म्यूजिक है, उसको लगा के आप मेडिटेट करते हो, तो आप गहरे ध्यान में जाते हो। क्योंकि हमारा मन क्या है, विचार करता रहता है। हमारा विचार मन में हमेशा अनवरत विचार चलते रहता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ सोचते हैं, कुछ नहीं भी सोचते तब भी विचार चलते रहता है। जब आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होगे, तब आप देखोगे कि आपका मन कैसे ताना बाना बोलते रहता है, चलता रहता है, कुछ नहीं सोच रहे फिर भी विचार चल रहा है। तो वो विचार शून्य अवस्था में हमें पहुंचना है। तो आप जल्दी विचार शून्य स्थिति में जाएंगे अगर आप म्यूजिक के साथ मेडिटेशन करेंगे, फ्लूट म्यूजिक या कोई भी म्यूजिक। और भी कोई किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, चैट कोई में बात लिखते हैं या मेल करके। वही किसी का क्वेश्चन लगता नहीं मैम, कोई हेल्प दे किया नहीं। हमें आती जाती सांसों पर ही ध्यान देना है। यस बिल्कुल, हमें आती जाती सांसों को ऑब्जर्व करना है, उस पे एकाग्रता नहीं, ऑब्जर्व करना है। नाक से सांस कैसे अंदर गई, अंदर कहाँ तक गई, नाभि तक गई या उससे पहले लौट आई, कैसे लौट रही है। एक-एक सांस पे जागरूकता रखना है, ऑब्जर्व करना है हमारी सांस कैसे अंदर जा रही है। एक सांस हमने लिया नाक से, तो अंदर कहाँ तक गई, नाभि तक पहुंची या उससे पहले लौट आई, नाभि में क्या हो रहा है। सांस जब हम अंदर लेते हैं तो पेट बाहर की तरफ फूलता है, और सांस छोड़ते हैं तो हल्का सा पेट अंदर की तरफ पिचकता है। तो हमारे पेट में क्या हो रहा है नाभि के पास? पेट बाहर, जब हम सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर की तरफ जा रहा है या अंदर की तरफ? पूरी जागरूकता एक-एक सांस के ऊपर रखनी है। जैसे आप माला मंत्र जप करते हो, तो एक-एक मटका को आप ऐसे करते हो मंत्र जप में, उसी तरह एक-एक सांस को देखना है पूरी जागरूकता के साथ। नाक से सांस कैसे अंदर गई, कैसे बाहर आई। जब आप देखोगे, जब आप देखोगे कि अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस के बीच में एक छोटा सा गैप आता है, जब आप ऑब्जर्व करोगे, एक पाउस आता है। लगातार हम सांस नहीं लेते, एक सांस लेते हैं फिर हमने छोड़ा, एक छोटा सांस लेना और छोड़ना के बीच में एक पॉज आता है, बाहर भी और भीतर भी। उस पॉज को ऑब्जर्व करना है। जैसे ही उस पॉज पे ऑब्जर्व करने लगोगे, उस पे टिकने लग जाओगे, तो आप गहरे ध्यान में जाने लग जाओगे। ठीक है, एक इन्होंने क्या पूछा है, मैं हाउस के ऊपर पिरामिड विजुलाइज कर सकते हैं? यस, एस्ट्रली कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं विजुलाइज, कोई दिक्कत नहीं है। सांसें धीमी इसलिए हो जाती है कि आपका मन धीरे धीरे सांसें के ऊपर जाने लगता है, तो धीरे धीरे सांस छोटी होती चली जाएगी, छोटी 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 होते होते बहुत छोटी। एक अवस्था ऐसी आएगी कि लगेगा हम सांस ले ही नहीं रहे, हमारा दम घुट रहा है। फिर झटके से सांस आ जाएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, झटके से सांस। ये ध्यान के इनिशियल अवस्था में ऐसा होता है।
प्रारंभिक चरण में ऐसा होता है, फिर आपको लगेगा हम सांस ले ही नहीं रहे, सांस बिल्कुल खत्म हो गई, हम हमारा दम घुट रहा है, फिर छठे से सांस आ जाएगी और आपकी सांस चलने लगेगी। ये सब आरंभिक अवस्था है, करते जाइए, लगे रहिए, बहुत अनुभव होंगे, बहुत अच्छे यात्रा पे आप सभी हो, आप सभी का दिन मंगलमय हो, बहुत अच्छे जगह पे आ गए हो, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यस मास्टर, और किसी का कुछ? झटके लगते हैं, ये कभी कभी झटके लगते हैं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान का अनुभव है, कोई बात नहीं, झटका लगना अच्छी बात है। यस, एनी मोर क्वेश्चन? यस मास्टर, ये सभी ध्यान के अनुभव हैं जो आप बता रहे हैं। यस, बॉडी आगे पीछे होती है, ये भी ध्यान के अनुभव है, बॉडी आगे पीछे होना है, डेट मीन्स आप बहुत अच्छा एक मेडिटेशन कर रहे हो, आपका जो सूक्ष्म शरीर है वो आनंद से झूम रहा है, इसीलिए बॉडी आगे पीछे होती है, बॉडी आगे पीछे होना मतलब सूक्ष्म शरीर आपका हिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा अनुभव है, ऐसा अनुभव मैंने बहुत किया है शुरुआती में, राउंड राउंड के, ये सब ध्यान के अनुभव है, राउंड राउंड ध्यान का अनुभव आप लोगों ने जानते नहीं हो क्या, सुना नहीं है, कोई क्लास नहीं हुई है मेडिटेशन ध्यान के अनुभव का, ये सब ध्यान के अनुभव है, अगर नहीं हुई है तो मैं एक क्लास इसका लूंगी ध्यान अनुभव के बारे में, मैं पूरा बताऊंगी, ये सारे ध्यान के अनुभव है, राउंड राउंड गोल गोल घूमना, शरीर में छटके लगना, अंदर झुंझुनाहट होना, ये सारे ध्यान के अनुभव है, पेड़ पौधे दिखना, नदियां झरने दिखना, ये सब ध्यान के अनुभव है, शरीर में झटके लगना, ये सब ध्यान के अनुभव, मतलब आप आपका ध्यान अच्छा हो रहा है, आप बहुत अच्छा ध्यान कर रहे हो, तो आप खुश हो जाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए। धन्यवाद मास्टर, सभी को साथ बने रहने के लिए, और मैम आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सुंदर जानकारी आपने दी। तो मैम देखभाल जो देखभाल कर सकते हैं, बीच में नींद आ जाती है, कुछ पता ही नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि सो गए थे, एक चीज पेट पे देखिए, एक ग्लास में पानी है और एक ग्लास में अगर हम पानी रखते हैं तो उसमें ज्यादा पानी आएगा, ग्लास में एक पानी ऐसे रख रहे हैं और एक हमने ग्लास को लिटा दिया तो पानी किसमें ज्यादा रहेगा, जो ग्लास ऐसे खड़ा है अगर हमने ग्लास को ऐसे लिटा दिया तो उसका पानी पूरा निकल जाएगा, तो अगर हम लेट कर मेडिटेशन करते हैं तो एक तो हमें नींद आ जाएगी, दूसरी हमें हम कम ऊर्जा ग्रहण कर पाएंगे, अगर हम बैठ कर ध्यान करते हैं तो हमारा जो बैकबोन है बिल्कुल सीधा रहता है, ये भ्रमरण से पूरी ऊर्जा हमें आती है, हमारे भीतर आती है, भ्रमरण से ऊर्जा प्रवेश करती है और हमारे पूरे शरीर को बॉडी को हील करती है, तो बैठ कर ध्यान करना ज्यादा लाभकारी होगा बनिस्पत की आप लेट कर ध्यान करेंगे, लेट कर ध्यान करेंगे आपको नींद आ जाएगी और उतनी ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हाँ अगर बहुत मजबूरी है नहीं बैठ सकती है तो आप लेटकर ध्यान कर सकते हैं, कि कुछ नहीं सकते तो कुछ तो अच्छा, तो आप लेटकर भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन आलसी ना बने, उठकर बैठे और ध्यान करें, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हैं, आपकी यात्रा है, दूसरे के लिए नहीं कर रहे, ये आपकी सेल्फ अपना यात्रा है, यही यात्रा आपको शरीर छूटने के बाद आपके साथ रहेगी, बाकी सब कुछ यही छूट रह जाना है, शरीर भी यही रह जाना है, कुछ साथ में नहीं जाना, ध्यान की ही यात्रा है जो आप साथ लेकर आएंगे लेकर जाएंगे, ध्यान की ही पूंजी है जो आपकी असली कमाई है, तो इसको बैठ कर करने का प्रयास करें और खूब खूब लगन से मन से करने का प्रयास। हम इसीलिए सभी पत्री सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें इतना सुंदर उपहार पूरी मानवता को दिया, ध्यान जैसा अनमोल खजाना, अनमोल उपहार कि सभी लोग कर सकते हैं, सभी को ध्यान सिखाए, इसलिए हम हर दिन उनका आभार व्यक्त करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं।
यस मास्टर, कोई और किसी का सवाल रहेगा? गुरु की जरूरत नहीं है, पत्री सर ने बताया योर ब्रेथ इज योर गुरु, आपकी सांसें ही आपकी आपका गुरु है, आपको कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है, योर ब्रेथ इज योर गुरु, योर ब्रेथ इज योर एवरीथिंग, अपनी सांसों को गुरु बनाइए, बाकी ज्ञान सब जगह से लीजिए और जुड़े रहिए अपनी सांसों से, बाकी कहीं जाने की कहीं भागने की जरूरत नहीं, ठीक है, आपकी सांसें आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। हाँ अगर ज्यादा कोई समस्या है, कुछ दिक्कत है तो आप सीनियर मास्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद मास्टर। मैम अपनी वाणी को यहीं पे विराम दें, या कोई और कुछ किसी का कोई सवाल रहता मास्टर? तो थैंक यू मैम, कोई और सवाल नहीं है तो मास्टर अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। यस मास्टर, बोलना चाहते हैं कोई? बोलिए अजय जी। अच्छा जी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। यस हाँ तो आप उसके लिए आई पिरामिड यूज करके ध्यान कीजिए, आपका चश्मा का नंबर कम हो जाएगा, आई पिरामिड यूज कर सकते हैं चश्मा उतारने के लिए। यस मेडिटेशन के टाइम में लगाइए, या अगर आप बेड पे सीधा सो रहे हैं तब भी आई पिरामिड लगा के लेट गए, ऐसे आप कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले आई पिरामिड लगा के बैठ गए, तो ऐसे पूर्णिमा के समय तो खास करके जरूर लगाइए, पूर्णिमा और फुल मून और न्यू मून, पूर्णिमा और अमावस्या में जरूर लगाइए आई पिरामिड लगा के ध्यान कीजिए, 2 घंटा 3 घंटा देखिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ पिरामिड, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, लीजिए 250 300 का आ जाएगा एक पिरामिड, एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है, आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए और महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, फिर जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप दूसरों को बताएंगे कि हाँ पिरामिड का क्या उपयोग है, क्या फायदा है, या आप खुद अनुभव करेंगे और अपना अनुभव ही आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे कि हाँ नहीं, आप पूरे इससे कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे कि नहीं ऐसा होता है। पिरामिड कैप कहाँ मिलता है ये मैंने नंबर दे दिया, आप कहाँ से हैं सचिन जी आप बताइए, आप कहाँ से हैं सचिन जी, आप अगर बताएंगे तो मैं आपको मदद कर पाऊंगी। इंदौर से मैम। इंदौर से, ओके तो आप, मैं आप यहाँ दिल्ली में भी है एक राजीव गुप्ता जी, वो भी पिरामिड भेजते हैं, कि आप गाजियाबाद से हैं तो हाँ आप यहाँ यहाँ से मंगा सकते हैं, राजीव गुप्ता जी से मंगा सकते हैं, मैं राजीव गुप्ता जी का भी नंबर दे दूंगी, गाजियाबाद से हैं तो यहाँ मिल जाएगा, और कुरियर भी करते हैं, जैसे जो दिल्ली के हैं या जो बिहार के हैं या जो मुंबई के हैं उनसे मंगाओगे तो वो कुरियर भी करते हैं, तो इस तरह से अगर आप बात कर लोगे, मैं ग्रुप में सबका नंबर डाल दूंगी, आपको जिनसे लेना होगा आप ले सकते हो, बात कर लेना, रेट समझ लेना, फिर आपको जो अच्छा लगेगा आप वहां से ले लेना। यस, पेपर से बना हुआ भी आप मेडिटेशन में यूज कर सकते हैं, मैं पहले पेपर से बना करके बना हुआ ही पिरामिड यूज करते थे, एमसी हिंदी पे पेपर से बना हुआ पिरामिड बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ऊर्जा में भी कोई अंतर नहीं है, पेपर का हो या किसी का, वो एंगल से मतलब है, वो एंगल परफेक्ट होना चाहिए, फिर आप किसी भी मटेरियल का यूज करें। चलो थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू मास्टर, सभी को ध्यान में बने रहने के लिए हमारे साथ, और ऐसे ही आते रहिए और सहयोग देते रहिए। धन्यवाद।